नमस्कार, कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2007 बैच के एक युवा आईएएस ऑफिसर हैं। वो मूलतः महाराष्ट्र के पुणे से आते हैं और इन्फोसिस में उन्होंने काम किया है भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के पहले, और इसके पहले वो कुछ अन्य ज़िलों में भी कलेक्टर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। बहुत ही सहज, सरल और एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर की उनकी इमेज रही है। तो मुलाकात करिए संकेत भोंडवे जी से। बहुत स्वागत करता हूँ संकेत। थोड़ी सी आपकी पिछली जर्नी की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको। पुणे में एक युवक तैयारी कर रहा है अपनी पढ़ाई की, वो BCA करता है, MCA करता है, और फिर कहीं सपना भी पल रहा है उसके मन में कि अखिल भारतीय सेवा में जाना है। पहले MCA, एक इंटरनेट की दुनिया, एक सॉफ्टवेयर की दुनिया, और वहाँ से फिर ये प्रशासनिक सेवा। तो किस तरह का वो सपना जो आपके मन में रहा? एक्चुअली देखिए, मेरे पिताजी जो थे वो शासकीय सेवा में थे, तो बचपन से ही एक ललक थी, एक एम्बिशन था जी कि IAS बनना है। तो जिस तरह से ये एम्बिशन था, एम था, ऑब्वियसली इतना आसान नहीं था। पुणे क्योंकि एजुकेशनल हब है, कल्चरल सिटी है, तो वहाँ जितना हो सके गाइडेंस रिसोर्सेज मिले, और मुझे लगता है कि परिवार ने, सभी जो शुभचिंतक हैं उन्होंने साथ दिया। और लगभग IAS बनने से पहले 16 से 17 बार में मतलब फेल हुआ कह सकता हूँ मैं, मतलब अपयश आया। ऐसा नहीं है कि पहले ही, क्योंकि 10th में 12th में जो एग्ज़ाम्स होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, NDA है, फिर अपनी ये जो डॉक्टर की होती है, एसिस्टेंट कमांडेंट है, PSC होती है, बैंक्स की PO की एग्ज़ाम है, सभी प्रकार की रेलवेज़ की एग्ज़ाम्स है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैं बैठा, परंतु मुझे अपयश आया। और मेरा, मैं कहूँगा कि लक या फॉर्चून जो था शायद UPSC में था। और चौथे अटेम्प्ट में, मतलब 3 बार में इंटरव्यू में गया और चौथे अटेम्प्ट में, तीसरे इंटरव्यू में मेरा IAS में हुआ। जी जी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और मुझे याद आता है कि आपने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के इंटरव्यू में भी ये बात आपने मेंशन की थी। असफलता से लड़े कैसे आप? कैसे आपके मन में ये बात आई कि नहीं, इस समय अपना मनोबल इंटैक्ट रखना? देखिए, यही मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि अभी के जो युवा पीढ़ी है वो कभी कभी असफलता से एकदम से घबरा के या फिर पीछे हटती है। तो मैं, मेरा उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि मैं भी एक सामान्य वर्ग से, एक सामान्य परिवार से, किसान के एक परिवार के बैकग्राउंड से आया हूँ और एवरेज हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में या पूरे एकेडमिक करियर में 80-90% से ज़्यादा कभी मार्क नहीं पड़े। मुझे कभी भी 60-65-70 के आसपास ही जो है एवरेज मार्क्स है, 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, MCA हो। लेकिन मेरा ये कहना था कि हम कर सकते हैं। अगर एक आपके, अगर सीने में एक आग हो और 5 तरह का मूल मंत्र, एक तो आत्मविश्वास, मेहनत, ज़िद, लगन, और आखिरी है अपने माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद, ये 5 चीज़ें अगर आपके पास हो तो मुझे लगता है कोई स्पर्धा परीक्षा क्या, आप जीवन में जो भी करना चाहे, व्यवसाय हो, उद्योग हो, सर्विस हो, कोई भी क्षेत्र में जाना चाहे, आपको कोई रोक नहीं सकता। मुझे लगता है कि एक आपके भीतर एक मोटिवेशनल गुरु भी बराबर मौजूद है, और ये निश्चित तौर पर आपके संस्कार हैं, आपकी पढ़ाई है, आपकी अपब्रिंगिंग है। फिर भी मैं चाहूँगा कि कभी आपको लगा, कोई ऐसा क्षण आया हो जब आपके मन में कमज़ोरी आई हो, लेकिन आपने ताकत के साथ, इन्हीं 5 मंत्रों के साथ आप उससे बाहर निकले हो? हुआ ये, मतलब जब तैयारी हो रही थी इस परीक्षाओं की, तो जब मैं दूसरी बार जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था दिल्ली, और मेरा मात्र 10 मार्क्स से गया, मतलब आप क्या देख सकते हो कि जैसे कि 10 मार्क्स से जाना, मतलब बहुत ही क्लोज था। और 2 दिन बाद ही मेरी प्रीलिम परीक्षा थी, तो वो एक उदाहरण है, एक ऐसा समय था जब मैं, दुख तो बहुत हुआ, ख़राब लगा कि भैया मेरे साथ ही क्यों बार बार हो रहा है, ऐसा भी आदमी सोचने लगता है, क्या कमी रही। परंतु वो एक कदम होता है, वो एक समय होता है कि आपको बस वो सिल्वर एज के आगे बढ़ना है। तब मैंने ठाना कि नहीं, अब तो मैं करके ही रहूँगा। और जो मैंने 5 सूत्र आपको मूल मंत्र बना के जो हिट किया मैंने, तो दूसरे वर्ष मैं अच्छी तरह सफल होकर IAS अफसर बना।
जी जी बिल्कुल, और निश्चित तौर पर इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मंत्र उन्होंने, संकेत जी ने हमारे साथ शेयर किया है, ख़ास तौर से युवाओं के लिए। और उसमें जो अंतिम बात है वो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगी है कि अपने माता पिता और गुरुजनों का विश्वास, ये भारत की शक्ति है, ये भारत की ताकत है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आशीर्वाद और मार्गदर्शन, मार्गदर्शन ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जब आपका चयन हो गया, चयन होने के बाद आपको लगा देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा, और लगा कि इसी के लिए संकेत आप तैयारी कर रहे थे, और अब आपका ड्रीम फुलफिल हुआ है, और जिस तरह से आपने पीड़ित जनों की सेवा का संकल्प और एक प्रतिबद्धता, एक कमिटमेंट शो किया है, तो ये बताता है कि ये आग काफ़ी पहले से आपके मन में थी। ये जज्बा कब आपके मन में आया कि मुझे सेवा में आके समाज के डिप्राइव्ड सेक्शन की मदद के लिए काफ़ी कोशिशें करनी है? देखिए, जो डिप्राइव सेक्शन होता है वो बेसिकली कमज़ोर वर्ग होता है। अब कमज़ोर वर्ग में बहुत सारे घटक हैं, हम उनको दिव्यांग कह सकते हैं, हम उनको निराश्रित, लावारिस, हमारे विधवा बहनें उसमें आती है, और आर्थिक कमज़ोरी का भी एक वो जो एक घटक होता है। परंतु सर्विस में आने से पहले ही जो है कहीं ना कहीं जीवन में ऐसा एक दो बार परिचय हुआ या इंट्रैक्शन हुआ जहाँ मैंने इनको पास से देखा, समझा, और एक अनुभूति हुई, तब मुझे लगा कि नहीं, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। और जब मैं भारतीय प्रशासन की सेवा में आया और मध्य प्रदेश काडर में मैंने आके ज्वाइन करके काम शुरू किया, मुझे लगता है पहली पोस्टिंग से लेके, मतलब झाबुआ में था मैं, मुझे याद है शुरुआत मेरी झाबुआ से हुई थी, 2 साल में झाबुआ में था, वहाँ से लेके जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई तब तब मैं इन सभी हमारे जो कमज़ोर वर्ग के हमारे जो भाई बहन हैं उनसे मैं मिला, और तब मुझे और एक एहसास हुआ कि वो ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब दया के मोहताज है, नहीं, वो तो उनका एक अधिकार है, एक सामान्य नागरिक का जो अधिकार है वो उनका भी अधिकार है, तो वो एक सामाजिक न्याय की तरह ही उनको मिलना चाहिए। एक आर्थिक सबलीकरण में जैसे कि सामाजिक सुरक्षा आती है, पेंशन आती है, एक उपकरणों के में जो अपन उनको कुछ उपकरण या कुछ देते हैं, परंतु एक होता है एक सामाजिक सबलीकरण एवं एम्पावरमेंट, तो ये जो है ये ज़रूरी है, इसके लिए हमें भी समाज को भी थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये तो एक दिव्यांग सेवा ही ईश्वर सेवा है, मतलब होशंगाबाद में तो दिव्यांग पार्क खुला था विश्व का पहला, टच स्मेल लिसन लुक, परंतु यहाँ उज्जैन में भी हमने एक दिव्यांगों के लिए रैन बसेरा और दिव्यांगों के लिए नेकी की दीवार, तो ऐसे अद्वितीय ऐसे प्रकल्प आ गए हैं, शुरू हो गए हैं, तो यही आपको मोटिवेट करता है बार बार कुछ करने के लिए। और पुराने प्रोजेक्ट जब आप देखते हो, पुरानी पोस्टिंग्स में जहाँ आपने काम किया हो, और मुझे लगता है एक व्यक्तिगत रुचि तो होनी चाहिए सबको इसमें आगे बढ़ने के लिए। आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात की और होशंगाबाद का आपने जिक्र किया, ये कैसे संकल्पना मन में आई कि एक ऐसा दुनिया में पहली बार एक ऐसी पहल की जाए जहाँ दिव्यांग पहुँच कर अपनी अनुभूति से स्मेल करने की, छू कर महसूस करने की, उससे वो एक उद्यान को महसूस कर सकें? मेरे पिताजी, मैंने बताया, शासकीय सेवा में थे, नगर निगम में उद्यान में थे जी। तो उनका पूरा जीवन उन्होंने उद्यानिकी विभाग में दिया, गार्डन्स बनाना, पार्क्स बनाना, ब्यूटिफिकेशन, लैंडस्केपिंग, तो मैं भी बचपन से ही प्रभावित था। परंतु क्योंकि मेरा क्षेत्र एक थोड़ा सा सोच थी कि जब हम जाते हैं किसी गार्डन में तो हम एक फूल देखते हैं, हमने चमेली का फूल देखा, गुलाब का फूल सूंघा, हमने गेंदे के फूल को हाथ लगाया, हमने जो पंछी होते हैं उनकी आवाज़ सुनी, तो ये चारों प्रकार की जो संवेदनाएं हैं इसका जो एक होना चाहिए दिव्यांग साथियों के लिए, क्यों नहीं है? तो फिर टच स्मेल लिसन लुक, ऐसे प्रजातियों का गार्डन चाहिए जो आप छू सकते हो, आप सूंघ सकते हो, हमारे अंध भाई बहन जो है वो देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं, वो हाथ लगा सकते हैं, तो देखो, सुनो, सूंघो और समझो, इस तरह टच स्मेल लिसन लुक ये पार्क था। और उसमें फिर ऐसा कोई उसमें कोई साइंस नहीं था कि ये पहले कहीं बना था, वो एक्चुअली हमारे निरंतर विचारों में आया कि कैसा हो सकता है, फिर उसमें बैरियर फ्री एक बाधारहित वातावरण हो, रैंप हो, व्हीलचेयर चली जाए, फिर ब्लाइंड स्टिक के लिए वो वहाँ पे एक छोटा सा एक जो है वहाँ पे टैक्टिकल टाइल्स बोलते हैं, फिर ऑडियोमेट्री हो नेविगेशन का कि आपको राइट लेफ्ट जाना है, गायत्री मंत्र चलता रहे, ऐसे पौधे लगाया जाए जिससे पंछी आए और पंछी चू चू की आवाज़ करें,
तो मानसिक विकलांग जो है उनकी सेरेब्रल और जो मेंटल क्षमता है वो बढ़े। सुबह सुबह जो घर्षण होता है हवा के साथ, ऐसे पत्ते लगाए जाए जिससे कि वो एक अपने आँच एक संचार करे। फिर ऐसे झरने लगाए जाए जिसके पानी की आवाज़ से मानसिक विकलांग और अपने दिव्यांग लोग उसको महसूस कर सके। ये एक ऐसा साइंटिफिक एंड नॉलेज पार्क था और मुझे लगता है कि ये विश्व का ऐसा पहला अद्वितीय पार्क है जो एक बहुत बढ़िया और जन भागीदारी से बना है। मतलब लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के साथ, बाय द पीपल एंड द पीपल फॉर द पीपल, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से वो बना है। और मुझे खुशी इस बात की है सबसे ज़्यादा कि मैं आज वहाँ नहीं हूँ लेकिन पार्क संधारित है। कोई आपको किसी दिव्यांग की किसी अनुभूति की कोई स्मृति आती है कि उसने कहा हो कि ये, मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उनके लिए सोचा गया और दुनिया में अपनी तरह की एक पहली संकल्पना से उस पार्क को किया गया। और जैसा आपने कहा कि आज आप वहाँ होशंगाबाद में नहीं हैं लेकिन वो पार्क संचालित है बहुत बढ़िया ढंग से, कोई किसी दिव्यांग की कोई अनुभूति? देखिए बहुत सारे हैं, मतलब मैं अगर एक गिनूँ तो कम होगा या अन्याय होगा क्योंकि मैं बात करते रहता हूँ, मिलते रहता हूँ, गले लगता हूँ और पूरी तरह ओपनली बात करता हूँ। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे हैं जो इंट्रैक्शंस हुए। जो आपने अभी अनुभूति की बात की तो उसका नाम है दिव्यांग अनुभूति पार्क, क्योंकि बिना अनुभूति के आप ईश्वर के पास नहीं जा सकते और वो एक ऐसा माध्यम है। तो मुझे लगता है कि एक दो बार ऐसा हुआ कि कुछ एक हमारे जो साथी है जो दिव्यांग है उन्होंने कहा कि बेसिकली वो आए और भरपूर रोए, मैं समझ नहीं पाया कि इनको क्या हुआ है, कि आप क्या हो रहा है और आप बहुत धो धो के रो रहे हो। पहले मुझे डर लगा कि कुछ इशू होगा, तो ठीक है मैंने पानी पिलाया, साफ पिलाया। और फिर उन्होंने कहा कि बेसिकली उनका एक्चुअली उनको पेंशन मिली थी और काफ़ी कुछ इनकी चीज़ें निरंतर गति से, जैसे हमने होशंगाबाद में काम किया था तो उनको काफ़ी लाभ हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य आते हैं, हम ऐसा ध्यान तो नहीं रख पाता हूँ मैं, लेकिन खुशी होती है जब उनके चेहरों पे एक आनंद और जो मुस्कुराहट है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आनंद ना आपको किसी मॉल में जाके मिलेगा या कहीं पे किसी मार्केट में जाके मिलेगा किसी से बात करके। ये जो एक दिव्य जो एक आपको साक्षात्कार होता है उस खुशी का, उस चेहरे पे जो एक मुस्कुराहट आती है, मुझे लगता है यही फल है। बहुत काम का इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक कई बार कहा जाता है कि आपकी अति व्यस्तता आपकी संवेदना की शत्रु होती है। इतनी व्यस्तता के बीच में संवेदना का ये बीज न सिर्फ आपके भीतर फूटता है बल्कि मैं तो कहूँगा एक भरे पूरे वृक्ष का रूप ये ले चुका है, लेकिन आगे भी इसमें ये लहलहाता रहे, इसी तरह हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन और दायित्व तो बढ़ेंगे और जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, इसके बीच में ये अभिरुचि, ये आपका मूल स्वभाव है, क्या इसी को लेकर आप आगे चलेंगे? मेरा एक्चुअली मूल स्वभाव है क्योंकि मैं बचपन से ऐसा ही हूँ। मैं बता दूँ कि मेरी व्यस्तता बेसिकली सामाजिक न्याय क्षेत्र के लिए है, इसलिए मेरी व्यस्तता ज़्यादा है। अभी भी मैं जहाँ गया था या कल गया था, हर हफ्ते में एक हाथ दो कार्यक्रम या ऐसे कोई काम होते हैं जो मैं ज़्यादातर इसी क्षेत्र के लिए देता हूँ। तो मुझे लगता है कि यही मुझे ऊर्जा देता है उसको बनाए रखने का। और आगे तो मैं कहूँगा कि जितना हमें भगवान और ईश्वर हमें पूरा आशीर्वाद देगा और अपने को रास्ता दिखाएगा, तो जितना हो सके उतना कम है। आज भी मुझे लगता है बहुत कुछ कर सकते हैं और मुझे लगता है उसके लिए कोई सीमा ही नहीं है। जीवन का एक और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है दाम्पत्य जीवन। और जितना हम जानते हैं कि आपकी जो जीवन संगिनी है वो मेडिको प्रोफेशन से हैं, वो डॉक्टर हैं, निश्चित तौर पर उनका भी दायित्व ऐसा है कि वो भी जन सेवा और मानव सेवा का एक बहुत बड़ा काम है। ये अरेंज सॉर्ट ऑफ मैरिज रही या? जी, इट वॉज एन अरेंज मैरिज। जी, मेरी जो धर्म पत्नी है हर्षदा, वो एक मास्टर इन फिजियो है और वो गायनेक एंड इसकी स्पेशल है। अभी क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं तो वो उनका पूरा पोषण और पूरे घर की जिम्मेदारी ले रही है और उसकी भी जो है बहुत सारी रुचि इस क्षेत्र में है। जब जब समय आता है तो वो खुद आगे आके इस क्षेत्र में आती है, काम करती है। समय समय की बात है, मुझे लगता है जैसे आगे बढ़ेंगे हम तो वो और अपनी सेवाएँ अच्छी तरह देगी। दाम्पत्य जीवन के लिए क्या टिप्स आपको लगता है? हम अक्सर इस प्रोग्राम में ये भी पूछते हैं क्योंकि आप वो लोग हैं जो बहुत व्यस्त हैं, बहुत सफल भी हैं और आगे एक बहुत प्रॉमिसिंग करियर भी है आपके सामने। ऐसे में जीवन का संयोजन जीवन साथी के साथ बहुत बेहतर हो, ठीक दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए आप और जो शुभदा जी हैं
किस सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं? देखिए, मैं उस विचारधारा का नहीं हूँ जहाँ कहा जाता है कि यू हैव टू बैलेंस योर फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ एंड वर्क एंड ऑल फला। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू वर्क, जब मैं 8 घंटा 9 घंटा काम कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, या रात को आके या जैसे भी 16 घंटा काम करूँगा, तो मैं काम ही कर पाऊँगा। मैं दूसरा सोच भी नहीं सकता। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे बताना पड़ता है मेरी बच्ची को कि भाई मुझे पापा को 2 मिनट मुझे छोड़ दो, मैं जल्दी से एक फ़ोन अटेंड करके या कुछ बात करके आता हूँ। फिर लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब मैं परिवार के साथ, मान लो आधे घंटे के लिए हूँ या छुट्टी पर हूँ या कुछ ऐसा मौका आता है कि मैं उनके साथ हूँ, तो सिर्फ मैं उनका ही रहना चाहता हूँ। तो ये जो बैलेंस वाला जो प्रिंसिपल चल रहा है, कि मुझे लगता है ये हो सकता है बहुत सारे लोग इसको मान नहीं करें, अपने अपना होता है, परंतु मेरे लिए मैं एक साथ ये तीनों चारों नहीं कर सकता। कि मतलब लोग कहते हैं कि नहीं, आपका रिलेशंस, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका परिवार, आपका वर्क एक साथ नहीं जा सकता। यू हैव टू, उस समय आप पूरी तरह उनको डिवोट करके डेडिकेट करो, तो फिर वो सभी जो है गाड़ियाँ चलती है और वो गृहस्थी बैठती है। मुझे लगता है ये बहुत ही ऑनेस्ट एक कन्फेशन है और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ अपने जीवन की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये, मुझे कई बार लगता है कि ये हिपोक्रेसी है जब आप कहते हैं कि मैं मैनेज कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप उस एक घटक को, चाहे आपकी मित्र मंडली हो जी, आप उनसे न्याय कर ही नहीं सकते। अगर आप परिवार के साथ हो कहीं पर और आपके मित्र चाहते हैं कि आप उनके साथ, तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने परिवार के साथ हैं। अगर आप हेल्थ रिलेटेड कहीं, आप मान लो जिम में हैं और अगर आप कुछ कर रहे हो और उसमें अगर कोई दूसरा काम आ गए, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट तो आप चले जाओगे, लेकिन आप उसको छोड़ के फिर पूरी तरह एक साथ 2 या 3 काम साथ में नहीं कर सकते। क्योंकि मनुष्यों की एक स्वाभाविक नीति है कि वो एक ही तरह से एक जगह काम करेगा। तो मुझे लगता है कि इसी तरह ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत मैं अपनाता हूँ और पूरा प्रयास करता हूँ। हो नहीं पाता है, परंतु प्रयास तो करता हूँ। क्या बात, बहुत सुंदर बात आपने कही। समाज के हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग आपसे मिलते हैं, और थोड़ा दार्शनिक सवाल है मेरा, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आपके पास आते हैं, पॉलिटिशियन भी आते हैं, जर्नलिस्ट भी आते हैं, और पीड़ित व्यक्ति भी आता है। समाज के स्वरूप में आपने कितना बदलाव देखा है? क्योंकि हम कई बार इसको लेकर बहुत चिंतित होते हैं कि समाज असंवेदनशील हो रहा है, निष्ठुर हो रहा है, व्यक्ति आत्मकेंद्रित हो रहा है, वो अपने निहित स्वार्थों की तरफ, वेस्ट इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है। आप एक मैं ये आपसे एक अधिकारी के तौर पर नहीं, एक ऐसे पवित्र व्यक्ति के तौर पर आपसे ये सवाल कर रहा हूँ जो समाज को बहुत करुणा से देखता है। देखिए, मैं जो भी 10-12 साल की सेवा हुई है सर्विस में आने के बाद, वो समय और अभी का समय कोई ज़्यादा, कोई इतना बड़ा कोई बदलाव नहीं है। और मुझे बस ये लगता है कि सरकारी अधिकारी जो होता है, शासकीय सेवक जो होता है, जब काम करता है, तो वाजिब है कि उसके सामने समस्त प्रकार के वर्ग के लोग आएंगे। आपने जैसे नाम लिया, और सभी वर्ग शासन के लिए, प्रशासन के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबके साथ काम किया जाता है। परंतु मुझे लगता है कि हमेशा ये, मैंने स्वयं, अगर मैं कन्फेस करूँ और प्रामाणिक तरह से सही कहूँ, या मैं कहूँगा इसको मैं सच बोलना चाहता हूँ, तो जो हमेशा जो एक वंचित वर्ग है हमारा, उसे समय देते हैं, प्रयास करते हैं, पूरा समय मिले अलग से, उनके जो विषय होते हैं, उनके लिए जो कमेटियाँ गठित है, उनके लिए समय दें। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि 1-to-1 आए हैं, जनसुनवाई में मिल रहे हैं और फिर मैंने वो जनसुनवाई का आवेदन लिया और काम किया, वो तो ठीक है, वो अपनी एक जगह पर है, परंतु बहुत सारी चीज़ें पैरेलली चलती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं उदाहरण बताऊँगा कि अगर किसी लोक सेवा केंद्र में मुझे ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं, कि वहाँ के जनपद से पेंशन की ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं, तो बजाय एक एक पेंशन वो निराकृत करने से, अच्छा है कि मैं वहाँ पेंशन कैंप लगाओ और उस जनपद के पूरे पेंशन्स के जो है मामले निराकरण करो। इस तरह वो एक वो होता है। तो मेरा इसमें ये कहना है कि समय पे निर्भर है, ऑब्वियसली समय होता है, परंतु एक अंदर से वो हमेशा आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ता है। टेबल पे हर एक फाइल एक आम आदमी, एक मनुष्य, एक कमज़ोर वर्ग का तबका आपसे कुछ राह लेके बैठा है। अगर मैं वो फाइलें 4-4, 5-5 दिन नहीं कर पाया, उसका मतलब वो लंबित है। तो मैं ये पूरा प्रयास करता हूँ कि उसी दिन की फाइलें उसी दिन
पूरी निपटाऊ में, चाहे वो किसी एक का आवेदन हो या कोई समूह का हो या कोई दूसरा काम हो, तो मुझे लगता है कि इस तरह वो देखना चाहिए प्रशासन को उस प्रिज्म से, तो ये सही में सार्थक होगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, जीवन को आगे आप किस तरह देखते हैं एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी, और शायद 10 साल बाद मैं फिर आपसे कहीं बात करूं भोपाल में, दिल्ली में, और आज से 10 साल बाद के संकेत भोंडवे, वक्त परिवर्तन तो होगा लेकिन क्या मूल इंस्टिंक्ट आपकी जो है ऐसी ही रहेगी? मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूँ और आपको संकेत भोंडवे आश्वस्त दिलाते हैं, हम लोग ये भी YouTube वीडियो और 2027 का भी YouTube वीडियो पास पास देखेंगे, हम दोनों देखेंगे एंड वी कैन सी, यू कैन कंपेयर एंड वी कैन हैव एन ऑनेस्ट कंक्लूजन और कमेंट। मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए मुझे लगता है कि भगवान ने इतना सेवा का अवसर दिया है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सेवा का अवसर मिला, बाबा महाकाल के चरणों में काम करने का अवसर मिला, इतने सारे लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनके सेवा का अवसर मिला। तो इसी के साथ साथ जितना सारा एक वैभव और जो एक डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, डाइवर्सिटी मिलती है, तो वो डाइवर्सिटी के साथ साथ सीखना भी है और करना भी है और करते रहना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और पूरा आने वाला जो भी, मुझे लगता है जो कहाँ भी हम जहाँ भी रहेंगे, जहाँ सेवा देंगे, भोपाल हो या किसी ज़िले में या दिल्ली हो, मुझे लगता है हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे और शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करें। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं संकेत जी आपको इस बातचीत के लिए और बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपसे बातचीत करना, ऐसा लगता है कि मानवता के एक एम्बेसडर से बातचीत करने की तरह है। बहुत बहुत धन्यवाद। अफसरनामा में इतना ही, अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।